हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 16 पर विचार करेंगे। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं द्वाविमो पुरुषो लोके, इस लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर च अक्षर एव च, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर सर्वाणि भूतानि, तो क्षर पुरुष जो है सभी प्राणी हैं, कूटस्थो अक्षर उच्यते, और जो आध्यात्मिक जगत में है जो जीव है वो अक्षर कहलाता है, यानी जीवात्मा जो वैकुंठ में रहने वाले हैं वो अक्षर कहलाते हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप किया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है च्युत यानी क्षर और दूसरा अच्युत यानी अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत यानी विभिन्न अंश हैं। जबकि जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षरा सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत हैं, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है, वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूँकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियाँ हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूँकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव छह परिवर्तनों से गुजरता है, जन्म वृद्धि अस्तित्व प्रजनन क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ ना जरा है, ना जन्म और ना मृत्यु, वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वो अपना शरीर बदलता है, अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि श्री कृष्ण ही वेदों को जानने वाले हैं। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि श्री कृष्ण वेदों को जानने वाले हैं तो श्री कृष्ण यदि वेदों का सार तत्व मुझे बताएं तो श्री कृष्ण की मेरे ऊपर अत्यंत कृपा होगी। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में वेदों के सार तत्व का सबसे पहला बिंदु बतलाया है
कि इस भौतिक जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर तथा अक्षर। इस श्लोक में श्री कृष्ण की तीन अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरा च अक्षरा एव च, अर्थात इस भौतिक जगत में दो पुरुष हैं, क्षर तथा अक्षर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं द्वो इमो पुरुषो, द्वो शब्द का अर्थ है दो, इमो शब्द का अर्थ है ये दो, फिर पुरुषो शब्द का अर्थ है दो पुरुष। इस प्रकार दो इमो पुरुषो, इन तीनों शब्दों में दो की संख्या का भाव है तथा इमो शब्द में संकेत है कि ये दो प्रकार के पुरुष हमारे सामने ही हैं। इसका अर्थ है कि हमारे समक्ष दो प्रकार के लोग होते हैं। ये दो प्रकार के पुरुष कौन हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कह रहे हैं क्षर तथा अक्षर। क्षर पुरुष का अर्थ है बद्ध जीव तथा अक्षर पुरुष का अर्थ है मुक्त जीव। इस श्लोक के तात्पर्य में शीला प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र के विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत यानी क्षर तथा अच्युत यानी अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथक कीकृत अंश यानी विभिन्न अंश हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण दो प्रकार के जीवों की बात कर रहे हैं, क्षर अर्थात मायाबद्ध जीवात्माएं तथा अक्षर अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में रत जीवात्माएं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पहले प्रकार के जीवात्माओं को क्षर पुरुष का नाम दे रहे हैं। क्षर शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने स्थान से भ्रष्ट होकर व्यर्थ के कर्म कर रहा है। ये बात समझने की है कि जो जीवात्माएं श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर इस भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, वे वास्तव में अपने स्थान से भ्रष्ट हो चुके हैं। प्रत्येक जीव का स्थान श्री कृष्ण की सेवा में है। जो जीवात्माएँ श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक जगत में आए हैं, वे वास्तव में अपने असली स्थान से भ्रष्ट हो चुके हैं तथा अब इस भौतिक जगत में उन्हें कोई भी स्थायी जगह नहीं मिल रही है। ये जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है तो फिर अपने कर्मों के अनुसार चूहा अथवा सूअर की योनि में जाता है, परंतु उसे कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो स्थिर हो। ये संसार इतना अंधकारमय है कि एक बार प्रवेश करने पर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। जो व्यक्ति इस भौतिक परिवेश में बुरी तरह लिप्त है और अपने हृदय के भीतर नहीं झांकता है, वो अधिकाधिक माया में बद्ध होता चला जाता है। इस भौतिक संसार के अंधकारपूर्ण कुएं में व्यक्ति सदैव चिंताओं से भरा रहता है, क्योंकि वह नश्वर शरीर धारण किए रहता है। यदि व्यक्ति अपने को इस चिंता से मुक्त करना चाहता है तो उसे तुरंत श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब दूसरे प्रकार के जीवात्माओं को अक्षर पुरुष का नाम दे रहे हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने उचित स्थान पर आ चुका है तथा सार्थक कर्म कर रहा है। ये बात समझने की है कि जो जीवात्माएं श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं उनके कर्म सफल हैं तथा उन्हें इस जीवन के बाद श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति सुनिश्चित है। श्री कृष्ण अपनी सेवा में लगे हुए भक्तों को शत्रुओं के हाथों से, प्राकृतिक उत्पातों से तथा इस जगत में सभी प्रकार की संकटपूर्ण स्थितियों से बचाने के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। भागवत 6:3-18 के तात्पर्य में शीला प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य विश्व युद्ध के आसन्न संकट से भयभीत रहते हैं और पूछते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो उनका क्या होगा। उन्हें सभी प्रकार के संकटों में विष्णु दूतों द्वारा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है,
कौन ते प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं होता है, इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भागवत में होती है। पदम पदम यद विपदाम नतीशाम, अर्थात इस जगत में पग पग पर संकट हैं, किंतु ये संकट उन भक्तों के लिए नहीं होते हैं जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों को भगवान के संरक्षण पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए, और जब तक वे इस भौतिक जगत में हैं उन्हें चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के तथा श्री कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगे रहें। इति। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं क्षरा सर्वाणि भूतानि, अर्थात इस भौतिक जगत के सभी सामान्य जीवात्माएँ क्षर पुरुष हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सर्वाणि भूतानि इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वाणि भूतानि का अर्थ है इस भौतिक जगत के सभी प्राणी, परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्लोक की पहली शिक्षा में तो श्री कृष्ण ने कहा था कि इस भौतिक जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं, तो फिर श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माएँ क्षर पुरुष हैं। हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो सभी जीवात्माओं की बात कर रहे हैं वे इस भौतिक जगत के सभी सामान्य जीवात्माएँ हैं जो अक्षर पुरुष हैं, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी संख्या बहुत कम है। भागवत के तीसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 29 में वर्णन आता है कि इस भौतिक जगत में अचेतन अवस्था में जीवात्माओं की संख्या बहुत अधिक है, उनमें चेतन अवस्था में जीवात्माओं की संख्या कम है, फिर उनमें भी विकसित चेतना वाले बहुत कम हैं, फिर उनमें भी विकसित इंद्रियों वाले जीव और भी कम हैं, फिर उनमें भी स्वाद की अनुभूति करने वाले और भी कम हैं, फिर उनमें भी जिनकी सुनने की शक्ति विकसित है वे और भी कम हैं, फिर उनमें भी जो रूप के अंतर को जानते हैं वे और भी कम हैं, फिर उनमें भी जिनके निचले दांत होते हैं वे और भी कम हैं, फिर उनमें भी अनेक पैर वाले और भी कम हैं, फिर उनमें भी चार पैर वाले और भी कम हैं, फिर उनमें भी दो पैर वाले मनुष्य और भी कम हैं, फिर उनमें भी चार वर्णों के अंतर्गत मनुष्य और भी कम हैं, फिर उनमें भी ब्राह्मण वर्ण के मनुष्य और भी कम हैं, फिर उनमें भी वेद को जानने वाले और भी कम हैं, फिर उनमें भी वेद के अर्थ को जानने वाले और भी कम हैं, फिर उनमें भी संशय का छेदन करने वाले और भी कम हैं, फिर उनमें भी ब्राह्मण के नियमों का पालन करने वाले और भी कम हैं, फिर उनमें भी भौतिक कलमश से मुक्त ब्राह्मण और भी कम हैं, फिर उनमें भी जो शुद्ध भक्त हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक सृष्टि में जो मायाबद्ध जीवात्माएं हैं उनकी तुलना में अक्षर पुरुष जीवात्माएं नगण्य हैं। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षर पुरुष अर्थात मायाबद्ध जीवात्माएं इस भौतिक सृष्टि में प्रायः सभी हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं कूटस्था अक्षरः उच्यते, अर्थात जो कूटस्थ है वो अक्षर पुरुष कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अक्षर पुरुष अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में रत व्यक्ति के लिए कूटस्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गीता 6:8 में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कूटस्थ है वो कृष्ण भावना भावित होता है। कूट शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है कपट, इस प्रकार कूटस्थ शब्द का अर्थ हुआ कपट में स्थित। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो सामान्य जनता के बीच में श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को कपटपूर्वक छिपाता है। वो जानता है यदि वो अपनी सेवा भावना का प्रदर्शन करेगा तो सामान्य लोग उसके उच्च भाव को ना समझकर उसे पागल समझेंगे, अतः सामान्य जनता में वो केवल हरि नाम का ही प्रचार करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कूटस्थ व्यक्ति अक्षर पुरुष कहलाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य के संगी मुकुंद दास मुस्लिम राजा के साथ
ऊंचे आसन पर बैठकर चिकित्सा के विषय में बात कर रहे थे। उस समय एक सेवक राजा के सिर पर धूप से रक्षा करने के लिए मोर पंखों का बना हुआ पंखा लाया। मोर पंख से बने हुए पंखे को देखकर मुकुंद श्री कृष्ण प्रेम में आविष्ट हो गए तथा भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा ने उन्हें होश में लाकर पूछा कि वे किस प्रकार गिर गए। उस समय मुकुंद ने कपटपूर्वक कहा कि उन्हें मिर्गी का रोग है। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त कपटपूर्वक अपने कृष्ण प्रेम को छिपाते हैं, इसलिए वे कूटस्थ कहलाते हैं। भागवत 3:29-33 में कपिल देव कहते हैं, अतः मुझे उस व्यक्ति से बढ़कर कोई भी जीव नहीं दिखता है जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता है, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध मुक्त पुरुष से है द्वि प्रकार, द्वि नामे परिचित से क्षर अक्षर। बद्ध जीव यत है तार क्षर नाम, अक्षर कूटस्थ जीव नित्य मुक्त धाम। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अक्षर कूटस्थ जीव नित्य मुक्त धाम, अर्थात हे अर्जुन, जो जीव अक्षर पुरुष होता है वो सदा मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ने दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया। तो दो प्रकार के पुरुष ना, इसका मतलब है जीवात्माएं। श्री कृष्ण तो पुरुषोत्तम है, तो श्री कृष्ण है ना तो क्षर पुरुष हैं ना अक्षर पुरुष हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जो विभिन्न अंश जीव हैं, ममे मांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, हाँ, तो श्री कृष्ण का जो है अंश ही जीव है जो सनातन है, तो सनातन जीव है श्री कृष्ण का अंश है। तो जो अंश होकर के अंशी की सेवा करे तो वो तो अक्षर कहलाएगा, और जो श्री कृष्ण का अंश होकर के भी श्री कृष्ण की सेवा ना करे वो क्षर पुरुष कहलाता है। तो क्षर पुरुष का मतलब है जो दुर्भाग्य में फंसा हुआ है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, असंख्य जीवात्माएं, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों में, ये सब जीव दुर्भाग्य से अपने को नहीं जानते हैं, अपना संबंध श्री कृष्ण के साथ नहीं जानते हैं, और जिस शरीर में होते हैं उसी शरीर में अपनी पहचान करते हैं, और शरीर में भी जो परिवर्तन होता है उसको भी नहीं समझ पाते हैं। जब बचपन की अवस्था होती है तो वो जो जीव है अपने को बच्चा समझता है, जब कुमार अवस्था होती है तो वो जीव अपने को कुमार समझता है, जब युवा अवस्था होती है तो वो जीव अपने को युवक समझता है, जब वृद्धावस्था होती है तो जीव अपने को वृद्ध समझता है। तो शरीर के परिवर्तन को भी नहीं समझ पाता, और शरीर के परिवर्तन के अनुसार अपनी पहचान करता है, और फिर शरीर जब पूरा परिवर्तन हो जाता है, छूट जाता है, दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तो उस समय भी वो फिर दूसरे शरीर में अपनी पहचान करता है। क्षर पुरुष जो जीवात्मा है तो उसकी कोई पहचान ही नहीं। कीड़े 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं इन योनियों में, ये सब जीव जो है जाते हैं। जो मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं तो करोड़ों जन्मों तक उनको मनुष्य का जीवन ही प्राप्त होता है। तो ये सब स्थिति क्या है, क्षर पुरुष की है। लेकिन जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ उसका सदुपयोग करते हैं और वे श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ते जाते हैं, वे क्या हैं, अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुषों की संख्या कितनी कम है, कितनी कम है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ, हजारों में से भी कोई एक है। भगवान 7वें अध्याय
गीता के सातवें अध्याय में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। तो तीसरा श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। मनुष्यों, एक तो मनुष्यों की संख्या बहुत दुर्लभ है। जितने जीव हैं इस पृथ्वी में उनमें मनुष्यों की संख्या कितनी कम है। उन हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है, यदताम अभिसिद्धा नाम कश्चन माम वेति तत्वता। और उन आत्मज्ञान जिनको हो भी जाता है तो वे भी श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जान पाते, बहुत कम हैं, हैं? बहुत कम पुरुष हैं जिनको श्री कृष्ण का तत्व मालूम होता है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि इसी लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।